दोनों जन आज रील्स बना बना के थी, अभी उसका सजा लोग भुगत रही है, दोनों जन देख सकते हैं। अच्छा लग रहा है, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे अपना पोर्ट कलेजी से। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो अभी 1 जनवरी संडे के दिन पे हुआ है और अभी जस्ट उठे हैं, अभी 7:40 हो रहा है। उठे तो हम बहुत पहले ही थे 7 बजे, पर तभी से सबको विश किए जा रहे हैं, सभी को फ़ोन लगा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे सबको मैसेज कर रहे हैं। और ये रही शिल्पा। शिल्पा हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। उठो। अरे सोने दो ना थोड़ा सा, न्यू ईयर में भी सोती है ये लड़की। तो अभी तो हम जा रहे हैं अब फ्रेश होने के लिए, क्योंकि अब बहुत हो गया और आज का मेरा पिकनिक का प्लान भी है। तो अभी हमको बहुत सारा लिस्ट भी बनाना है, सबसे पैसा भी कलेक्ट करना है। रात को लिस्ट बना लिए थे लेकिन पैसा कलेक्ट नहीं किए थे, तो अभी जा रहे हैं उठने के लिए और सबको जा जा के मतलब न्यू ईयर विश करते हैं। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में और खूब सारा मस्ती वाला ब्लॉग रहेगा, तो आप सब देखो। अभी तो सबसे पहले जाके सबको विश करते हैं न्यू ईयर। चाची न्यू ईयर। बाहर में कौन कौन है, बच्चा लोग को भी विश करते हैं। आयुष, आशीष, हैप्पी न्यू ईयर। सब बोलो हैप्पी न्यू ईयर। तुम कहाँ भाग रहे, तेरा साइकिल भैया ले गया। वेल गाइस, तो देखो हमारे यहाँ पे धान सिज रहा है। इतना बड़ा चूल्हा देखे हो, देखो कितना बड़ा चूल्हा है। आउच, देखो इधर सब निकाल निकाल के रख रही है चाची। हैप्पी न्यू ईयर चाची। हैप्पी न्यू ईयर। आम का पेड़, आम के पेड़ के नीचे का चूल्हा है। चूल्हा में बैठ के आग तापने का ही मजा कुछ अलग है। पीछे बारी। हाय कितना अच्छा है। तो अभी हम ब्रश कर रहे हैं, पिकनिक में जाएंगे इसके बाद। ब्रश करने के बाद ये नींबू वाला पेड़ देख रहे हो, ये वाला हम लगाए थे, अभी इतना बड़ा हो गया। मतलब हम नहीं लगाए थे, मतलब हाँ हम ही को दिखा था, तो हम दादू को बोले थे, तो दादू यहाँ पे लगा दिए, तो वो कितना बड़ा हो गया। और ये रहा हमारा मुर्गा, यो बहुत सारा है भाई। और ये हमारा पपीता देखो कितना सारा फरा हुआ है, भूमि चढ़ी हुई है पेड़ पे और तोड़ रही है, इसको सैलड बनाएंगे। दो दो ना, चौथरो, एक दो तीन चार। वेल गाइस, तो देखो ये है मेरा बारी और बाली में लगा है आलू, जो कि अब पूरा बड़ा हो गया है। और ये रहा सरसों का फूल। उधर जो साड़ी दिखाई दे रहा है, वो साड़ी के नीचे है प्याज का गाछी गाछी गाछी। और ये वाला लर तो मेरा फेवरेट है घर का, जो कि पूरा फैलते जा रहा है, हमको बहुत अच्छा लगता है, ये ठंडा में फूलता है मस्त। घर के अपोजिट साइड वाला दीवार में पूरा फूला हुआ है, मस्त लग रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं छत पे, छत हम लोग का डेंटिंग पेंटिंग हो रहा है, देख सकते हो जहाँ जहाँ पे टूटा फूटा प्लास्टर हो रहा है, पीछे से भूमि आ रही है। और ये आ गए हम छत, और छत से देखो मेरा गांव का नजारा। हम बैक करके दिखाते हैं कैमरा से, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। छत में बोरा में कुछ कुछ तो रखा हुआ है, शायद से धान रखा हुआ है, खटिया है, जो कि धूप में लेने के लिए एक नंबर मस्त है। धूप में छत में आके सो जाओ नहा के। और इधर दिखाते हैं, इधर देखो मेरा घर, और घर से ये रहा बारी, नींबू का पेड़ और आम का पेड़। और ये रहा नीचे, नीचे कुछ कुछ खेती किया हुआ है। इधर देखो कोयला, इतना सारा कोयला। और
और ये बारी जो पीला पीला दिख रहा है ये हम लोग का गोतिया लोग का है, मनीष छोटे दादाजी का और मंझले दादाजी लोग का बारी है। तो ये उन लोग का बारी है, सरसों भी लगा हुआ है ज़्यादा और आलू भी। वो हम लोग का खलियान जहाँ पे हम लोग का गाय बकरी सब रहता है। और इधर मेरा कुआं, इधर मेरा कुआं छत से जस्ट नीचे दिखता है मेरा कुआं, जो कि एकदम वहाँ जो मेन रोड है वो मेन रोड से सीधा वाले गली में आके यहाँ पे कुआं है। कोई तो है कुआं में। उसके बाद ये है पड़ोसी, पड़ोसी का घर है ये सब। क्या लगा ये भूमि गमला में? दस बजवा। वाओ, दस बजवा फूल लगाई है भूमि गमला में। उसके बाद इधर आते हैं फ्रंट पे, ये है मेरा खोरी मीन्स मेरे घर के बाहर जहाँ पे कर्मा पूजा हुआ था। आप लोगों को तो पता ही है कर्मा वाले ब्लॉग में, वहीं पे हुआ था कर्मा। अभी फिलहाल से वहाँ पे कुछ रखा हुआ है सामान किसी का। उधर भी है बहुत सारा बारी लेकिन हम लोग का नहीं है उधर, हम लोग का थोड़ा दूर में इससे। बाकी ये रास्ता से फिर नीचे टोला चला जाता है, नीचे है गाँव पूरा लंबा। और ये फिर हम लोग का गोतिया का घर है। तो ये एल सा आता है और वो भी एल सजाता है। तो बस, और ये कैक्टस इसको इसलिए लगाया जाता है छत पे क्योंकि किसी का बुरी नजर ना लगे। वेल गाइस, तो नहा लिए, फ्रेश हो गए, मस्त धूप में सूख भी गए। और जैसा कि हम बताए थे पिकनिक का प्लान है, तो अभी हम लोग बारी जा रहे हैं पीछे वाला बारी से, बोरा में झोला में जिसमें भी भर लिए हैं। और कुछ सारा सामान एक और झोला में है जो कि वहाँ पे दिख रहा है उन लोग बंदर जैसा चल रहा है, वो हम लोग का बारी है। तो हम लोग अपना दूसरा वाला बारी में जा रहे हैं पिकनिक के लिए। देखो ये खेत हमारा है जो कि अभी धान है नहीं, धान कट गया है और धान खलिहान में चला गया है। तो देखते हैं, हम बैक करके कैमरा दिखाते हैं कि हम लोग चाबी उधर कैसे जा रहे हैं बारी में और हम लोग का बारी कैसा है। देखो ना, साइकिल में लोड होके आ गया है हमारा पिकनिक का सामान और एक बजरंग बलिक चढ़ा हुआ है बाउंड्री के ऊपर। क्या हुआ, इसका चाबी कहाँ है बारी का? ये रहा हमारा बारी, वो कुआं। रुक के दिखाते हैं सामने से, पहले तो ढूंढो चाबी को। हाँ देखो, उसका नीचे होगा तो अभी मिल गया। लाओ दो साइकिल का चाबी, लो भूमि खोलो, पहले लॉक लगा देते हैं। हाँ डॉ 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 खोलना, लो ले रे, फेंक दे लो। चलो ये वाला खोल दिए, साइकिल का चाबी। भागो 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 भागो, ये खुल जा सिम सिम। और ये हमारा है सेपरेट बारी, चारों ओर बाउंड्री किया हुआ है। बारी में आलू लगा हुआ है इस बारी में भी, और दिखाते हैं क्या क्या लगा हुआ है। इधर लहसुन लगा हुआ है और इधर फिर आलू लगा हुआ है और मूली भी है बीच बीच में, सरसों भी है और उधर फ्रेस बीन लगा हुआ होगा। और ये हमारा कटहल का पेड़, लाओ 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 सामान लाओ। अरे वो ना बहुत भारी है आशीष, तुम नहीं सकेगा, धीरे धीरे लाओ। और इसको साफ करना पड़ेगा, कुआं थोड़ा गंदा है। वाओ फूल कितना सुंदर लग रहा है, ये अमरूद का पेड़ है, बहुत मीठा लगता है लेकिन इसको काट दिया गया है। ए कुआं से साइड हो। और ये हमारा कुआं जो कि ये पूरा गंद पड़ा है। ओहो ये क्या है, ये है कुंदरी, कुंदरी फल तो जानते ही होगे। ये हमारा गोतिया लोग का बारी है और ये खेत और वहाँ से रोड सामने। और ये बांस का पेड़ भी हम ही लोग का है। तो अभी हम लोग फिलहाल ज़्यादा कोई आए नहीं है, हम लोग बच्चा बच्चा आए हुए हैं और अभी सब आ रही है धीरे धीरे। तब तक हम लोग यहाँ पे अपना सेटअप कर लेते हैं, चूल्हा बना लेते हैं और यहाँ पे सफाई भी कर लेते हैं और लकड़ी भी ढूंढ के लाना है अभी। तो ठीक है गाइस, बने रहो मेरे इस ब्लॉग पे। तो
तब तक हम लोग कुछ हम लोग लकड़ी ढूंढने के लिए निकले और पता चला यही लकड़ी बहुत सारा है, तो ये तो एक ही बार में आशीष उठा लिया सब लोग। हाँ चलो चलो सब लेके आओ, और उसको भी ले लेते हैं थोड़ा सा। अरे वो क्या है, उसको उसको तोड़ो ना, वो जल्दी जलेगा। चलो चलो आराम से लेके चलो चलो। वेल गाइस, तो हमारा पूरा सेटअप रेडी हो गया है, देख सकते हो यहाँ सारा हम लोग का पिकनिक का सामान भी आ गया है और चूल्हा भी एकदम परफेक्ट जगह पे बना है। इधर से अभी चाय बनने के लिए कढ़ाई लग गया है, चाय बनाने जा रहे हैं एकदम पेड़ के नीचे में। लोकेशन एक नंबर, ज़बरदस्त है पिकनिक का स्पॉट्स। अपना सेपरेट बारी है और सेपरेट पिकनिक है। तो इधर आयुष तोड़ रहा है लकड़ी, सारा लकड़ी यहाँ इकट्ठा भी कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं चाय बनाने के लिए। ओ, 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 ओ। चाय बना लिए हैं और चाय का मजा ले रहे हैं। देखो सब चाय बिस्किट खा रहा है, सबका चाय हो गया और है ले लो चाय। देखो तब हमें कैसा लग रहा है, दोपहर को चाय पी रहे हैं विद टॉप बिस्किट और साथ में गाना भी बज रहा है स्पीकर में, अभी डांस भी करना है। बहुत धूप लग रहा है, जा रहे सोने, हमको नींद आ रहा है। सिंपी जा रही है उधर मैगी बनाने के लिए, तब तक हम जा रहे हैं सोने और ब्लॉग भी एडिट कर रहे हैं। ये वाला लकड़ी से ठीक ठाक जल रहा है, डांस करो डुग्गी। ये टमाटर डाल दो। ये हमारा मैगी बन के रेडी हो गया है और अब इसको जल्दी, मैगी तो बहुत टेस्टी बना है, हम लोग से मैगी खा रहे हैं। थोड़ा सा दो, कैसे खा रहा है। अरे भूमिया चाट चाट के खा ले, इका डाल दिया कॉफी भगवा। देखा 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 सब, ये देखिए दो पराठा। वेल गाइस, वेल गाइस, मैगी है तेरा अमित, मैगी खत्म। ऐसे पानी चढ़ गया चावल के लिए, बाटूगी मैगी खा रही है, हम भी खाने चले। तो गाइस अब हम लोग मैगी खा लिए हैं और चिकन प्रोसेस कर रहे हैं। देखो हम टमाटर सब काट रहे हैं और वहाँ पे हेलो, अरे जाने समय तो बोल रहे हैं, चावल बन रहा है। प्रणाम सर। तो अरे बोलिए ना, सेम टू यू, धूप भी बहुत ज्यादा है इसलिए माथा में एकदम सर। अरे ऐसे तुरंत आई दो दो, हम चाकू काट देते थे। हमारा सैलेड बन रहा है पपीता प्याज और टमाटर का, और इधर चावल सो बन ही गया है, लगभग चावल बन गया है। तो अभी हम जा रहे, लकड़ी का थोड़ा कमी हो गया है तो जा रहे उधर बांस के पेड़ से बांस का लकड़ी लाने के लिए। हमें बांस हो के बहुत फ़ायदा हो गया, हम लोग को बांस यहाँ सामने में मिल ही जाएगा और पिकनिक लाने के लिए बहुत इजी हो गया। बाल थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया यार, तो हो जाएगा बड़ा। तो यहाँ पे सूखा बांस मिल गया है, उसको खींचते हैं निकालेंगे, इसी से अब चिकन बनेगा। चलो इसको साइकिल में लोड करो जल्दी। दिखा
जिसने उसी सा तोड़ दी। गाइस तो अभी शाम होने को है, 3:30 बजने को और अभी तक हमारा पिकनिक कंप्लीट नहीं हुआ है। भूमि चिकन बना रही है, चलाएगा भूमि चले भी रे। कैसा लग रहा है चूल्हा जलाने में? भूमि का ही प्लान था पिकनिक बाहर जाने का, तो अभी बना रही है बेचारी। हमारा मसाला अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वेट कर रहा है सब बेचारा लोग, भूखे लोग का देख रहा हालत। yes, तो मैगी खा के बैठा हुआ। ओ शिल्पा भी आ गई उधर। ये शिल्पा पटेल जो अभी अभी आई है, सिर्फ चिकन खाने आई, बिल्कुल चाहिए चिकन का। पैसा वैसा नहीं मिला ये शिल्पा, पैसा नहीं मिला खाली चिकन। वेल गाइस तो हमने खूब सारा यहाँ पे रील्स बनाया और देखिए शिल्पा अभी भी बना ही रही है वहाँ पे रील्स, और उधर खाना बन के रेडी भी हो गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ पे रील्स बनाते बनाते पूरा बारी का आलू मरा दिए वहाँ पे बीच में, देख रहे क्या हाल कर दिए वहाँ पे, बड़ी मम्मी से डांट पड़ेगा। तो हम लोग जा रहे हैं जल्दी से खाना खाने के लिए। चिकन और भुर्जी सब यहाँ कैसे लाइन से बैठ के खाए जा रहे हैं, तो टेस्ट करते हैं और कैसा लग रहा है। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे अपना पोट कलेजी से। मस्त बना है, कोई भी खाते हैं उसके बाद मोटा गई है शिल्पा। देख लो सब कोई कैसे बर्तन को धो रही है। कुछ नहीं बस रील्स बना के थी, दोनों जन आज रील्स बना के थी, अभी उसका सजा लोग भुगत रही है दोनों जन, देख सकते हैं। शिल्पा दी देखिए एगो यहाँ गाइस पन्नी दीदी है, खाली बस इसका आदत है वही। अरे ये है देखिए, इससे कोई शादी करेगा तो बहुत सुंदर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको बर्तन धोना बहुत अच्छा से आता है। दिखाइए दीदी, दिखाइए। हाँ सोच लीजिए। वेल गाइस तो हमारा पिकनिक समाप्त हुआ इस तरह से, सारा सामान हम लोग पैक कर लिए हैं और अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो आज का दिन हमारा बहुत इंजॉयफुल रहा, हम लोग बहुत इंजॉय किए, बहुत सारा कुछ खाना बनाए खाए। अभी घर जाके भी पकौड़ा मटन वगैरह खाना है। आयुष बोल रहा है कि बोलो कि हीरो जा रहा है साइकिल से। देखो उधर कुत्ता सब भी आ गया, क्योंकि हम लोग वहाँ पे खाना खा के वो जो फेंके हैं उसको खाने के लिए आया कि कुछ कुछ हड्डी मिल जाए। अब मेरा हीरो भाई चला जाएंगे। तो ठीक है गाइस, मैं चलती हूँ घर और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और भी कुछ कुछ खाने के लिए मिलती हूँ। तो इस तरह से मेरा न्यू ईयर बीता और आप लोगों को फिर से वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर और कुछ नहीं। तो ठीक है गाइज, आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिएगा। बाय।